अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर की, और इस सीरीज में हमारा ये तीसरा लेक्चर है। आज हम जिस प्रोग्राम की बात करेंगे वो प्रोग्राम ये है जो यूजर से दो नंबर इनपुट लेगा और चेक करेगा कि क्या दूसरा नंबर जो हमने एंटर किया वो फर्स्ट का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें यूजर से सबसे पहले इनपुट लेनी है, इनपुट इन टू नंबर्स। तो हमें दो वेरिएबल बनाना पड़ेंगे, एक ए और एक बी। नेम हम कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन पे हमें मैसेज प्रिंट करवाना है, एंटर फर्स्ट नंबर / n, और scanf यूज करते हुए हम यूजर से इनपुट लेंगे जो इंटीजर टाइप की है, और उसे वेरिएबल ए में हम स्टोर करवा लेंगे। फिर एक और स्टेटमेंट हमें स्क्रीन पे शो करवानी है, एंटर सेकंड नंबर, और उसकी इनपुट हमें स्कैनएफ के थ्रू जो इंटीजर टाइप की होगी सेव करवा लेनी है एड्रेस ऑफ बी, यानी के बी के वेरिएबल में। यहां तक हमने प्रोग्राम में जस्ट इनपुट का काम कंप्लीट किया, और चेक करते हैं कोई एरर नहीं है। फर्स्ट नंबर इज 12, सेकंड नंबर इज 54। ओके, तो प्रोग्रामिंग के अंदर एक चीज ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जितनी भी लाइंस लिखते हो उन लाइंस को लिखने के बाद साथ साथ उन्हें चेक करते रहें कि कहीं पे इनमें कोई मिस्टेक या प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ओके, अब हमें चलना है चेक करने की तरफ, कंडीशन की तरफ। हम यहाँ पे मैसेज लिखवाएंगे, इफ ए मल्टीप्लाई ए इक्वल इक्वल टू बी। इस लाइन का मतलब ये हुआ, ए हमारे पास था फर्स्ट, यानी कि हमने फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर किया, और साथ ही में दूसरा काम उसको चेक किया कि वो सेकंड के इक्वल है या नहीं, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी कि इफ सेकंड नंबर इज इक्वल इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट का हमने यहाँ पे स्क्वायर फाइंड किया और उसको इक्वलिटी चेक की सेकंड के साथ। ये काम हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, अलग वेरिएबल बना के, उसकी हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहीं पे ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। और स्क्रीन पे हम मैसेज प्रिंट करवाएंगे, एस क्यू यू ए आर स्क्वायर / n। अगेन पहले चेक करते हैं इसको, फिर मजीद चेंजेस करते हैं इसमें। फर्स्ट नंबर लेट्स सपोज 2, सेकंड नंबर 4, तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया 4 स्क्वायर। अगेन चेक करें, फर्स्ट नंबर 2, सेकंड नंबर 3, तो कोई भी आउटपुट स्क्रीन पे नहीं आ रही। चेंज जो हम कर सकते हैं, चेंज ये है कि हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम हम स्क्वायर रख देते हैं, और हम जानते हैं कि हमें स्क्वायर किसका फाइंड करना है, सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, तो हमें स्क्वायर फाइंड करना है फर्स्ट नंबर का। तो हम यहाँ पे स्क्वायर इक्वल टू ए स्टेरिक ए ये कर देते हैं, और यहाँ पे कंडीशन में आके हम स्क्वायर इक्वल इक्वल बी कर देते हैं कि क्या स्क्वायर बी के इक्वल बनता है। अगेन चेक करें, अगर 2 4 स्क्वायर, अगेन चेक करें 2 3, तो कोई भी आउटपुट स्क्रीन पे नहीं आ रही। तो ये हमारे पास प्रोग्राम को हम मुख्तलिफ लॉजिक के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में हमने यूजर से दो नंबर इनपुट लिए और चेक किया कि क्या सेकंड नंबर फर्स्ट का स्क्वायर बनता है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।